तो अभी तक हम 15 अगस्त का 4-5 वीडियो क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन ये वाला जो वीडियो है काफ़ी बढ़िया वीडियो है। अगर आप भी अपने फोटो से इस तरह का वीडियो क्रिएट करेंगे तो आपका वीडियो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए हम सबसे पहले प्रव्यू देखते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको इस वीडियो को क्रिएट कैसे करना है। तो प्रव्यू आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। और इस वीडियो को हम अलाइट इमोशन एप्लीकेशन से क्रिएट करने वाले हैं। अगर आपके पास अलाइट इमोशन एप्लीकेशन नहीं है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस अलाइट इमोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो चलिए हम भी इसको ओपन कर लेते हैं और आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो अलाइट इमोशन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको 4.5 वाला साइज सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको रिजोल्यूशन को 1080p, फ्रेम रेट को 60fps और बैकग्राउंड को ब्लैक करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको इसमें सबसे पहले एक आईडियो एडिट करना है। जिस भी आईडियो से आपको वीडियो क्रिएट करना है आपको उस आईडियो को यहाँ पे एडिट कर लेना है। यहाँ पे हम वीडियो से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हम इस वीडियो को यहाँ पे एडिट कर लेंगे। तो वीडियो एडिट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको उस वीडियो को एडिट कर लेना है। जिस वीडियो से आपको आईडियो एक्सट्रैक्ट करना है आपको उस वीडियो को यहाँ पे एडिट कर लेना है। तो चलिए हम इस वीडियो को एडिट कर लेते हैं। तो वीडियो को एडिट करने के बाद आपको यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर आपको एक्सट्रैक्ट आईडियो पर क्लिक करके आईडियो को यहाँ पे बाहर कर लेना है। इसके बाद फिर आपको वीडियो को सिलेक्ट करना है और आपको इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और यहां से आपको एक बैकग्राउंड इमेज ऐड करना है। इस इमेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगा, आप लोग इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस इमेज को ऐड करते हैं। तो इमेज को ऐड करने के बाद आपको यहां मूव एंड ट्रांसफर पर क्लिक करना है और आपको तीसरे नंबर वाले को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। इसके बाद आपको बैक आना है, फिर आपको लास्ट में आ जाना है, जहां तक आपका आईडियो है वहां भी आपको आ जाना है। फिर आपको यहां पर क्लिक करके इसके ड्यूरेशन को आपको बढ़ा देना है। इसके बाद आपको स्टार्टिंग पे आना है, फिर आपको यहां प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और आपको एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड करना है। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगा, आप लोग इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को ऐड करते हैं। तो वीडियो को ऐड करने के बाद फिर आपको यहां मूव एंड ट्रांसफर पर क्लिक करना है और आपको तीसरे नंबर वाले को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, इसकी साइज को आपको कुछ इतना बड़ा कर लेना है। इसके बाद फिर आपको फर्स्ट नंबर वाले को सिलेक्ट करना है और आपको इसको यहाँ पे लाना है। इसको यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से सेट कर देना है। इसके बाद फिर आपको बैक आना है, फिर आपको ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर क्लिक करना है, फिर आपको लाइटिंग पर क्लिक करना है और आपको इसको स्क्रीन कर देना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा आगे जाना है, जहाँ तक आपका आईडियो और फोटो है वहाँ पर आपको आ जाना है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके इसके एक्स्ट्रा पार्ट को काट करके डिलीट कर देना है। इसके बाद आपको स्टार्टिंग पे आना है, फिर से आपको प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना फोटो एडिट करना है। जिस भी फोटो से आपको वीडियो क्रिएट करना है आपको फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेना है। इससे पहले हम आपको बता दें कि आपको उसी फोटो को ऐड करना है जिसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका हो। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता है तो इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अपना फोटो ऐड कर लेते हैं। तो फोटो ऐड करने के बाद आपको इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा करना है, फिर आपको इसको यहाँ पे लाके कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे सेट कर देना है। इसके बाद फिर आपको बैक आना है, फिर आपको लास्ट में आ जाना है, जहाँ तक आपका आईडियो और फोटो है वहाँ पे आपको आ जाना है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके इसके ड्यूरेशन को आपको बढ़ा देना है। इसके बाद आपको स्टार्टिंग पे आना है, स्टार्टिंग पे आने के बाद आपको यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और आपको एक पीएनजी इमेज एडिट करना है। इस इमेज का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगा, आप लोग इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस इमेज को एड करते हैं। तो इमेज को एड करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, फिर आपको इसको यहाँ पे लाके कुछ इस तरह से आपको इसको यहाँ पे सेट कर देना है, इसको यहाँ पे आपको अच्छे से सेट कर देना है। इसके बाद फिर आपको बैक आना है, फिर से आपको लास्ट में आ जाना है, जहाँ तक आपका आईडियो और फोटो है वहाँ पे आपको आ जाना है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके इसकी भी ड्यूरेशन को आपको बढ़ा देना है। इसके बाद आपको फिर से स्टार्टिंग पे आना है, स्टार्टिंग पे आने के बाद आपको यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, एक और पीएनजी इमेज एड करना है। इस इमेज का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगा, आप लोग इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस इमेज को एड करते हैं। तो इमेज को एड करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा छोटा करना है, फिर आपको इसको यहाँ पे लाके इसको यहाँ पे आपको अच्छे से सेट कर देना है। इसके बाद फिर आपको बैक आना है, फिर से आपको लास्ट में आ जाना है, जहाँ तक आपका आईडियो और फोटो है वहाँ पे आपको आ जाना है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके इसकी भी ड्यूरेशन को आपको बढ़ा देना है। इसके बाद आपको फिर से स्टार्टिंग पे आना है, स्टार्टिंग पे आने के बाद आपको यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो एड करना है। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगा, आप लोग इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को एड करते हैं। तो वीडियो को एड करने के बाद आपको यहां 3 डॉट पर क्लिक करना है और आपको फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करके इस वीडियो को आपको फुल स्क्रीन कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर क्लिक करना है, फिर आपको लाइटिंग पर क्लिक करना है और आपको इसको स्क्रीन कर देना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा आगे जाना है, जहां तक आपका फोटो और वीडियो है वहां पर आपको आ जाना है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके इसके एक्स्ट्रा पार्ट को काट करके डिलीट कर देना है। तो अभी आप देख सकते
सकते हैं कि यहाँ पे आपका वीडियो क्रिएट हो चुका। अगर आपको इसको प्ले करके देखना है तो आप इसको प्ले करके देख सकते हैं। अगर आपको इसको सेव करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना क्वालिटी सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपका वीडियो सेव हो जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ देर वेट करना है और आपका वीडियो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।